आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजियोलॉजी पर स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ने भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अभी हाल ही में पेपर दिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, और आप सभी स्टूडेंट्स को भी इनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स तक लास्ट तक मेरी वीडियो बने रही है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है फिजिकल के बारे में या जो न्यूज वैकेंसीज वगैरह है उन सभी के बारे में आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में मेरा वीडियो पहले आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको देख सकते हो। जो सेकंड पॉइंट है आज हम इसको लेंगे, इस टॉपिक के अंदर है कि कट ऑफ के बारे में हमें क्यों जानना चाहते हैं। हर स्टूडेंट के मन में होती है क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, लेकिन हम जो एक्चुअल रीजन है ना वो आप कभी समझ ही नहीं पाते। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें जैसे भी हम हर चीज को समय से पहले पता करना चाहते हैं, जबकि उसका उस चीज से कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जो समय के बाद जो रिजल्ट रहना वही रहना है, और पहले पता करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता उस चीज के ऊपर। जैसे अगर मैं इसको आप अगर विस्तार से समझाऊं मैं, तो आप देखिए, अगर मान लो मैंने जैसे कल कट ऑफ बताई थी, है ना, मैंने जनरल की बताई थी कि एवरेज देखेंगे तो वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है, कोई भी कट ऑफ फिक्स नहीं होती है ना। फिर भी हम मानते हैं कि भाई जो जैसे जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, कोटा, अपने अजमेर, जोधपुर, सीकर, इनकी मेन के अगर कट ऑफ रहते हैं, तो मेरा ये मानना था कि भाई 100 प्लस ट्यूशन जिन्होंने भी किए ना, उनके मतलब कि फिजिकल कोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या होगी वो अभी भी क्लियर नहीं है। आपने अभी से मान लो कि इसको फाइनल मान के, या आपने बाकी यूट्यूब से कुछ ने 110 भी बता रखे, 110 क्वेश्चन बता रखे, किसी ने 90 क्वेश्चन भी बता रखे, इनको मान के आपने फिजिकल प्रिपरेशन शुरू कर दी, आपका फिजिकल कोड हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी इसमें न पड़े। आपका जो भी है, आगे मैंने बताया भी, कल की वीडियो में बताया था, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली पुलिस की, और इससे रिलेटेड और भी वैकेंसी आने वाली है, सेम सिलेबस रहेगा, सिर्फ इसमें मामूली सा ऐड ये है कि इसमें आपका टाइपिंग आएगा और इसमें इंग्लिश ग्रामर है, और जो भी फिक्स टॉपिक्स है ना, सिर्फ ये है इसकी। आप बैचेज स्टार्ट हो गए हैं सभी अकेडमीज में, और आप चाहे तो इसका ऑनलाइन भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं फिजिकल तैयारी कर रहे हो, या आपको लगता है कि मुझे राजस्थान पुलिस से फिजिकल प्रिपरेशन आनी चाहिए, तो साथ में आप इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या कट ऑफ रहती है या कितने आपके नंबर है। आपने जो कर दिया वो कर दिया, आपको डेली मॉर्निंग में सिर्फ वन आवर आपको फिजिकल प्रिपरेशन करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनी रहेगी, आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा, और जो चीज आप पढ़ोगे वो आपको याद भी रहेगी। फाइनल चीज ये है, तो आप ऐसा भी नहीं होते, आप कट ऑफ पता कर रहे हो, चाहे मैंने 100 प्लस बता दिया आपने। अब जिस स्टूडेंट की 90 है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो फिजिकल तैयारी नहीं करेगा, या जिसके 80 है वो फिजिकल तैयारी नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई नहीं, मेरा हो ही सकता है, पता नहीं हो ही जाए, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 3-3 घंटे फिजिकल में लगे रहो, सुबह से शाम तक उसी में खा रहे हो, सुबह भी जा रहे हो, शाम भी जा रहे हो। राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है ना, बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल है, सिर्फ इस पे रनिंग का है। बॉयज के लिए 5 किलोमीटर है, और गर्ल्स के लिए भी 5 किलोमीटर है। गर्ल्स के लिए टाइम ज्यादा दिया हुआ है 35 मिनट का, और इसके अंदर बॉयज के लिए टाइम 25 मिनट का या 24 मिनट का, ये समथिंग दिया हुआ है। तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिजिकल आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेरा ये था कि इसमें आप कट ऑफ में न पड़े, और अपना जो भी आगे प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें, और नॉर्मल फिजिकल आप जहां भी कर रहे हैं वहां पर आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप अपने गांव में भी कर सकते हैं, अगर जयपुर में रहते हैं जयपुर में भी कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।